हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आसान तरीके से बहुत ही मज़ेदार टी केक बनाने की रेसिपी। तो वीडियो को स्किप ना करें और फुल वॉच करें। चलिए अब हम टी केक बनाना शुरू करते हैं। टी केक बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ब्लेंडिंग जार लिया है। गाइस, इस जार में हमने शुगर को पाउडर किया था। उसी जार में हम दो अंडों को तोड़कर उसकी जर्दी ऐड कर लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप पाउडर शुगर। यहाँ पर हमने पाउडर शुगर का इस्तेमाल किया। आप चाहे तो डायरेक्ट शुगर भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि हम ब्लाइंड ही करने वाले सभी इंग्रेडिएंट्स को। अब हम इसमें 1/4 कप ऑयल ऐड कर लेते हैं। हम वनीला फ्लेवर का केक बना रहे हैं, तो इसमें हम ऐड करेंगे 2 to 3 drops वनीला एसेंस। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को ब्लेंड कर लेते हैं। हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब हम इसे एक बॉल में ट्रांसफर कर लेते हैं। यहाँ पर हमने 1 कप मैदा लिया है। मैदे को हमें छानना है, तो एक छन्नी में ऐड कर देते हैं मैदे को। अब हम मैदे में ऐड करेंगे 1 tablespoon बेकिंग पाउडर और 1/2 tablespoon बेकिंग सोडा। अब हम इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को छान लेंगे। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को हैंड विक्स से अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है, तो आप विक्स की जगह हैंड ब्लेंडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम इसमें 1/4 कप जितना मिल्क ऐड कर लेते हैं। मिल्क ऐड करने के बाद अब हम सभी इंग्रेडिएंट्स को स्मूथ और क्रीमी होने तक विक्स की मदद से अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हमारे केक का बैटर रेडी हो गया है। यहाँ पर हमने केक बनाने का मोल्ड लिया है। मोल्ड में हमें ऑयल को अच्छे से ग्रीस कर लेना है। यहाँ पर हमने 1 tablespoon मैदा लिया है। मैदे को हमें मोल्ड में अच्छे से कोट कर लेना है। मोल्ड के अंदर फ्लावर अच्छे से कोट होने के बाद आप एक्स्ट्रा फ्लावर को टैप करके निकाल दे। मोल्ड के अंदर अब हम केक बैटर को फिल कर देते हैं। गाइस, आप देख सकते हैं हमारा केक बैटर जो है फोल्डिंग मेथड में गिर रहा है, तो ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी है केक बैटर की। अब हमें केक मोल्ड को थोड़ा सी टैप कर लेना है, ताकि इसके अंदर के सारे एयर बबल्स निकल जाए। 5 मिनट पहले हमने कढ़ाई में नमक ऐड करके फ्री हीट होने के लिए रख दिया था। नमक में हमने एक स्टैंड रख लिया है। अब हम इसके ऊपर केक मोल्ड रख देंगे। गाइस, अगर आप केक को बेक करने के लिए हैवी बॉटम का बर्तन ले रहे हैं, तो आपको नमक ऐड करने की जरूरत नहीं है। आप बर्तन में कोई भी एक छोटी सी कटोरी या फिर छोटी सी प्लेट रखकर केक को बेक कर सकते हैं। अब हम केक को ढककर 30 to 35 मिनट तक गैस की फ्लेम को लो पर रखकर केक को बेक करेंगे। 35 मिनट हो गए। अब हम केक को चेक कर लेते हैं, केक हमारा रेडी हो गया है क्या। आप टूथपिक या फिर चाकू से चेक कर ले केक को, केक बेक हुआ है या नहीं। कढ़ाई में से हमने केक को बाहर निकाल लिया है। केक ठंडा होने के बाद चाकू से इस तरह से केक को किनारों से अलग कर ले, तो फिर आपका केक जो है इजीली मोल्ड से बाहर निकल जाएगा। अब हम आपको केक को कट कर दिखाते हैं। आप देख सकते हो केक हमारा कितने अच्छे से बेक हुआ है अंदर से। आप देख सकते हो गाइस, हमारा केक कितना सॉफ्ट और स्पॉन्जी बना है। हमने इस केक को बिना ओवन के कढ़ाई में बनाया है। आप इस आसान से टी केक की रेसिपी को जरूर ट्राई करें फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।